चुनाव नजदीक है, जो काम होना था नहीं होना था 5 साल के दौरान आप सब परिचित हैं। 5 साल पहले जब यहाँ बीजेपी हार गई थी तो क्या हालत था, अभी हम क्या हालत में, जब तुलना कीजिएगा तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो मैं उदाहरण देता हूँ, 5 साल पहले पूरे विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर आरियो का सड़क नहीं बना था, हम लोगों ने 350 किलोमीटर स्वीकृति ले लिया। पीडब्ल्यूडी विभाग से 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना था, हम लोग 290 किलोमीटर सड़क बना। लगभग हमको याद है जब चुनाव हम लोग जीते थे उस समय लगभग 200 ट्रांसफार्मर इस क्षेत्र में जले पड़े थे। ट्रांसफार्मर के लिए परेशान लोग रहता था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खम्मा कुटा टंगा हुआ है, लाइन नहीं है। बहुत से गरीब के टोला में, जो पैसा वाला टोला था उसका तो मिल जाता था, लेकिन जो गरीब का टोला था वहाँ नहीं चल पाता था। सारे के सारे ट्रांसफार्मर हम लोग 5 साल में बदल लिए, कोई एक आध छूट गया हो तो छूट गया हो, नए हम लोग ट्रांसफार्मर गांव में गांव में लगा रहे हैं। यानी घर घर बिजली, जो पहले हम सोच नहीं सकते थे, पहले आप यदि घर का कनेक्शन लेते थे तो आप सोचना पड़ता था कि 3,000 रहेगा कि 4,000 रहेगा, पोल कौन देगा, हमारे घर तक बिजली कैसे आएगा, पोल मिल गया तो तार नहीं, तार मिला तो खंभा नहीं, बांस के खंभा पर तार ले जाते थे। महिलाओं को जागृत किया पार्टी, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया, सुकन्या योजना चल रही है। आप गांव गांव जाते होंगे तो क्या होता है कि हम गांव में सखी मंडल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सखी मंडल से माध्यम से उसको रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। आज केवल महागवा ही विधानसभा में सखी मंडल के कम से कम 8,000 महिला सदस्य हैं।